चलिए, तो लॉगरिदम्स में सबसे पहले जो नाम लिखा है ना, उसी नाम को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करती हूँ, ठीक है? दो पार्ट्स में ब्रेक करती हूँ। लॉगरिदम्स, एरिदम्स यानी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक से यहाँ पे रिलेशन है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। लॉग का मतलब है रूल, यानी लॉगरिदम्स के नीचे आप ब्रैकेट में लिखोगे इस चैप्टर का समरी, ठीक है? यानी हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने का रीज़न ये है कि लॉगरिदम्स हमें एक टूल प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप बड़ी बेकार सी गंदी सी कैलकुलेशन में कुछ आसान फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है? तो आप ब्रैकेट में क्या लिखने जा रहे हो? आप लिखोगे लॉगरिदम्स के नीचे ब्रैकेट में लिखो पहले, इट गिव्स अस द रूल टू सॉल्व, इट गिव्स अस द रूल टू सॉल्व सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, इट हेल्प अस, इट गिव्स अस द रूल RULE टू सॉल्व सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। लिखो, दैट इज, इट सिंप्लीफाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इट गिव्स अस द रूल टू सॉल्व सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, दैट इज, इट सिंप्लीफाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इट सिंप्लीफाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इट सिंप्लीफाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब कैसे ये सिंप्लीफाई करेगा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इस पूरे चैप्टर में जब हम लॉग पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि हम कुछ टीडियस प्रॉब्लम्स की कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ लॉग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? बट कैसे करेंगे वो तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि 512 का क्यूब रूट क्या है, तो आप मुझे आंसर बता सकते हो? आंसर इज 8। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है? कोई नहीं है ना, क्योंकि क्यूब्स हमने याद किए, ठीक है? मैंने पूछा 1331, मैंने भी ये नहीं पूछा कि इसका क्यूब रूट क्या है। चलो आप क्यूब रूट ही बता दो, तो दिस इज 11। मैंने कहा 729 का स्क्वायर रूट, और क्यूब रूट, क्यूब रूट इज 9, ठीक है? अब मैंने आपसे पूछा, चलो 16 का स्क्वायर रूट, 16 पावर 1/4, ये तो आप मुझे सारे आंसर्स बताते जा रहे हो। चलो बताओ 2 की पावर 1/2, रूट टू की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 1.414, सही है? 1.414। तो फिर मुझे बताओ 2 की पावर 1/5 की वैल्यू क्या होगी? 32 किसने बोली? 2 की पावर 1/5 इज, नहीं याद, 2 की पावर 1/99 बताओ। चलो नहीं बताओगे ना, 3 raised to the power 91/98 नहीं बताओगे। अब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जहाँ इस तरह के नंबर्स अटक गए, यहाँ हमें लॉग हेल्प करता है, ठीक है? हम इन्हें याद भी नहीं करते, बट हाँ फिर भी कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली आप ऐसा थोड़ी ना करोगे कि चलो 2 का 5th रूट आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, स्क्वायर रूट के लिए ऐसा ही करते थे ना कि चलो इसके आसपास का नंबर स्क्वायर करके देख लेते हैं, शायद आंसर आ जाए। तो आप 2 के 5th रूट को निकालने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि आसपास का नंबर सोचा, उसे 5 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, कितनी देर लगाएंगे? चलो ये तो फिर भी 1/5th रूट है, इसका क्या करोगे फिर? 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखोगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी ना, इन्हें हैंडल करने के लिए हमारे पास एक नया टूल अब मुझे मिलने जा रहा है, उसे हम कहते हैं लॉगरिदम्स। हम लॉग की हेल्प से इस तरह की कैलकुलेशंस को हैंडल करेंगे, ठीक है? कैसे हैंडल करेंगे वो सब, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसके लिए कुछ थ्योरम्स है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें अगर 2 raised to the power 1/99 कैलकुलेट करना है तो क्या अप्रोच रहेगी, या किस रास्ते से जाकर हम इसके आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? बट इस चैप्टर में इस तरह की कैलकुलेशंस में हमें हेल्प करेगा लॉग। बोलो कोई दिक्कत? सही है, ठीक है? तो अब जो आप लिखने जा रहे हो ना, वो इंट्रोडक्शन है। लिखो लॉग के लिए, अब हम स्टार्ट करते हैं।
ये सिर्फ एग्जाम्पल था कि हमें कैलकुलेशन में कहाँ दिक्कत आ सकती थी. मैंने आपको कहा कि इट हेल्प्स इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करेगा. तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो होगी वहाँ पे हमें लॉग बहुत हेल्प करने वाला है. लेकिन एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, मैं जो जो बोलती जा रही हूँ ना उसे एक एक माइंड में बिठाते जाना, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछना शुरू करूँगी. मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, बहुत छोटा सा कंटेंट दूंगी आज आपको. ये कंटेंट अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. तो हमने क्या लिखा, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल एन, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल एन कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज. फर्स्ट एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन and second is logarithmic representation, second is logarithmic representation, second is logarithmic representation. ठीक है, तो मैंने आपसे अभी तक सिर्फ इतना कहा है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव से मुझे मतलब नहीं और जीरो से भी मतलब नहीं, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर की मैंने बात की. और हर पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सप्रेस करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉगरिथमिक. फॉर एग्जांपल लिखिए, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एन इज इक्वल्स टू 25, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एन इज इक्वल्स टू 25 देन इसके नीचे दो ब्रांचेस बनाओगे. आप अपनी कॉपी में एक्सट्रीम्स में बना लेना, एक्सट्रीम्स का एक एक्सट्रीम लेफ्ट ले जाना ब्रांच और एक ब्रांच को एक्सट्रीम राइट में लेकर चले जाना. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एन इज इक्वल्स टू 25 देन दो ब्रांचेस बनाओ. मैं इस नंबर 25 को दो तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, ठीक है. मैंने कहा ना दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, तो अब हम वो दो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. 25 से पहला रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले आता है कि 25 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर. क्या इसमें किसी को दिक्कत है, हो गया ना ये इसका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कि मैंने 25 को क्या लिखा, 5 का स्क्वायर. अच्छा ये तो है नंबर, है ना, मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज नंबर. राइट साइड लिखी गई फॉर्म में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेस, ये बेस होता है. और ये 2 क्या होता है, पावर, बिल्कुल ठीक, हम इसे कहते हैं पावर. और कोई नाम, एक्सपोनेंट, बिल्कुल ठीक, हम इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये एक्सपोनेंट भी कहा जाता है. एंड और क्या कहा जाता है, इंडेक्स, इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसेस, इंडेक्स का प्लूरल इंडाइसेस, ठीक है. तो हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ा था ना, तो ये जो 2 है दैट इज यहाँ पे लिखे गए नंबर को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं, तीनों नाम आने चाहिए, आपकी मर्जी, आप कोई भी टर्म यूज करते हो. हम ज्यादातर पावर बोल देते हैं, 5 raised to the power 2, 5 का एक्सपोनेंट 2 है, 5 का इंडेक्स 2 है, ठीक है, इज वन एंड द सेम थिंग. तो आप तीनों में से कोई भी एक टर्म को यूज कर सकते हो, आइदर पावर बोल दो या एक्सपोनेंट बोल दो या फिर इंडेक्स बोल दो, ये कहा जाता है बेस, कोई दिक्कत नहीं. यानी मैंने नंबर 25 लिखा 5 का स्क्वायर, जहाँ 5 को मैंने कहा बेस और ये इसका इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट कहा गया, ठीक है. लिखा मैंने 25 ये, बट लिखने का तरीका मेरा था एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन. अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं इसी नंबर को वापस लिखने जा रही हूँ. कैसे, अब मैं इसे लिखती हूँ, नाउ कंसिडर लॉग 25 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 2. मैंने वही नंबर लिखा है. मैंने आपसे लास्ट टर्म पे क्या कहा था कि जब भी मैं लॉग सिंबल यूज़ करती हूँ और दो नंबर्स इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है कि बताइए 5 की क्या पावर रेज की जाए सो दैट आंसर कितना आ जाए, 25.
25. बोलिए 5 की पावर क्या रेज करोगे कि 25 आए? 2. तो मैंने कहा दिस इज इक्वल्स टू 2. इस फॉर्म को लिखने पर सबसे पहले ये जो 25 लिखा गया ना, इसे हम कहते हैं कि दिस इज द नंबर. ठीक है, ये नंबर है जिसका लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है. दिस इज द नंबर जिसका लॉग कैलकुलेट करेंगे. इसे क्या कहते हैं? बेस. देखो वही टर्म्स यूज हो रही है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूज हुई थी. ठीक है, ये बेस है, इसे लॉग का बेस कहा जा रहा है कि मैंने लॉग का बेस 5 ले रखा है. ठीक है, और आंसर क्या आया? 2. इस 2 को हम कहते हैं पावर. और एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स. ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर टर्म्स मैंने यूज़ की जो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए यूज़ की थी. तो log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 का मतलब 25 को बोलेंगे नंबर. हमने नंबर 25 का log कैलकुलेट किया, टू द बेस 5 कैलकुलेट किया, आंसर आया एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स 2. ठीक है, तो मैंने रिप्रेजेंट किया नंबर 25. लिखने के लिए एक फॉर्म जो मेरी थी वो थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक फॉर्म थी मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म. ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में भी ये फॉर्म ऑलमोस्ट वही चीज़ बता रही है जो लास्ट टर्म पे मैं आपको हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि log 25 टू द बेस 5 का मतलब एग्जैक्टली एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि चलिए बताइए 5 दैट इज बेस की कौन सी पावर रेज करने पर आपको आंसर ये वाला नंबर मिल जाएगा. ठीक है, तो log की जो डिफाइनिंग की गई ना, log इसी तरह डिफाइन किया गया कि जब भी आप किसी नंबर का log विद सम बेस कैलकुलेट करते हो तो इसका मतलब होता है कि आपको एक्सपोनेंट आंसर करना है. कौन सा एक्सपोनेंट? जो बेस की पावर बनेगा और आंसर नंबर तक पहुंचाएगा. मैं फॉर्मली लिखवाऊंगी. ठीक है, इसे फॉर्मली लिखेंगे हम डेफिनेशन फॉर्म में. अभी मैंने सिर्फ कितना कहा कि अगर 25 लिखा है तो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने सारे टर्म्स लिखी लिए. लॉगरिथमिक फॉर्म में जब मैंने उसी नंबर को वापस रिप्रेजेंट किया तो पर्टिकुलर जगह पर लिखे गए नंबर्स को क्या क्या कहा जाता है ये अब हमें पता होना चाहिए. इसे प्रॉपरली इसी तरीके से नोट करके रखिएगा. ठीक है, दिस इज द बेस, ये नंबर है और ये एक्सपोनेंट है. तो हम लोग इसे इस तरह लिखेंगे कि डज वी कैन से दैट log ऑफ अ नंबर कैपिटल n, डज वी कैन से दैट log ऑफ अ नंबर कैपिटल n टू अ गिवन बेस, log ऑफ अ नंबर कैपिटल लेटर n टू द गिवन बेस ए log ऑफ द नंबर कैपिटल n टू द बेस a इज द एक्सपोनेंट x, is the exponent x by which the base must be raised, by which the base must be raised, by which the base must be raised in order to get capital N. देखो दैट इज log n to the base a equals to x. दैट इज, इसे बॉक्स में डालना है तो इसलिए अकॉर्डिंगली लिखना. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया. दैट इज log n to the base a is equals to x implies, सिंबल यूज करोगे, लिखोगे नहीं IMPLIES, ऐसे मत लिखना, implies and implied upon, डबल एरो, implies and implied upon का मतलब यहां से इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो
और राइट से लेफ्ट पर भी जा सकते हो, दोनों डायरेक्शंस वैलिड है, ठीक है। मतलब इसका मतलब यहाँ जो लिखा जाएगा वो होगा, और यहाँ एक्सप्रेशन जो लिखा गया है उसे कन्वर्ट करके ये वाली फॉर्म हमेशा लिखी जा सकती है, ठीक है। तो जब भी मैं कहूँ ना इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड अपॉन, आपको ये चार वर्ड नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, ये सिंबल। आगे बात समझ में। तो मैंने कहा कि इफ वी हैव लॉग इन टू द बेस इज इक्वल्स टू एक्स, देन दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड अपॉन एन इज इक्वल्स टू ए पावर एक्स, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड अपॉन एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स। बोलो किसी को देखकर, ठीक है। तो हम इतनी देर से क्या चला रहे थे, यही तो चला रहे थे कि अगर log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x लिखा है तो इसका मतलब आपने आंसर क्या दिया है, एक एक्सपोनेंट आंसर किया है। कौन सा एक्सपोनेंट, जो बेस की पावर में रेज किया जाएगा, सो दैट हमें क्या मिल जाए, नंबर कैपिटल। बोलिए किसी को देखकर। तो ये log का डेफिनेशन है जो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने इसकी कंडीशंस नहीं लिखी, ठीक है। तो बॉक्स में डालने से पहले आप इसमें कंडीशन जरूर लिखो। देखो वेयर वेयर एन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, वेयर एन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए का मतलब बेस, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू वन। ए जीरो से बड़ा है मगर वन नहीं है, का मतलब ए कैन बी इक्वल्स टू हाफ, ए थ्री बाय फोर हो सकता है, ए फोर बाय फाइव हो सकता है, ए वन नहीं होगा, फिर वन से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जीरो से बड़ा कुछ भी ले लो, बस वन नहीं लेना एग्जैक्ट। तो ये है कंप्लीट डेफिनेशन फॉर लॉग, इसे बॉक्स में डाल कर लिख लो और वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये चीज़ आपको याद रह गई ना तो पूरे चैप्टर में कहीं गलती नहीं करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है वो मैं अभी बोलूँगी, थोड़ी देर बाद आप बोलने लग जाओ, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि कभी भी अगर log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x दिखाई दिया तो इससे क्या इंटरप्रेट करोगे कि n की वैल्यू a पावर x के बराबर है। बोलो कोई भी दिक्कत, मगर ये कब वैलिड है, कब यूज़ किया जा सकता है, जब n दैट इज log का नंबर पॉजिटिव हो। जिस नंबर का log कैलकुलेट करे वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर दैन जीरो, पॉजिटिव। साथ में log का बेस कैसा होना चाहिए, ग्रेटर दैन जीरो एंड नॉट इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो ये कंडीशंस याद रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मिस हुई ना तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें पता ही नहीं है log कब डिफाइंड है, भाई log डिफाइंड है तभी तो इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करोगे। तो कई बार क्वेश्चंस में यही पूछा जाएगा कि चलिए बताइए log को डिफाइन करने की कंडीशंस क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सबसे पहले log के आगे लिखा हुआ नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर दैन जीरो कुछ भी ले लो सब चलेगा, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। साथ में बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू वन, ग्रेटर दैन जीरो तो हो मगर साथ में वन नहीं होना चाहिए। क्यों प्रॉब्लम आती है एन को नेगेटिव लेने पर या ए को वन लेने पर, वो सब मैं धीरे धीरे डिस्कस करूँगी, मैं एग्जाम्पल्स लूँगी, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती जाऊँगी। अभी आप पहले याद करो कि अगर log को डिफाइन करना है तो सबसे पहली कंडीशन आएगी नंबर पर, क्या कंडीशन होगी नंबर पर, कि नंबर मस्ट बी, हाँ बिल्कुल ठीक, और साथ में बेस पर क्या कंडीशन रहेगी, पर्पल शर्ट, उसे बोलने दो, हाँ ग्रेटर दैन जीरो। अभी आप भले ही आंसर देख देख कर बोलो मगर थोड़ी देर बाद ये चीज़ें दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि बेस जो है इट मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो एंड नॉट इक्वल्स टू वन, और नंबर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर दैन जीरो। कई बार क्वेश्चन ऐसे कहा जाता है log को डिफाइन करने की कंडीशन बताओ, तो सिर्फ क्या लिखोगे कि नंबर ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए भाई, और बेस ग्रेटर दैन जीरो एंड नॉट इक्वल्स टू वन, यानी दो चीज़ों पर कमेंट करना होगा, नंबर पर एंड बेस पर। बहुत छोटी चीज़ें हैं ना, याद भी हो गई होंगी, मगर अगले लेक्चर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे इसका आंसर नहीं देंगे, इसीलिए आज मैंने तीन चार बार बोला है, अगली बार आप मुझे सुनाओगे, ठीक है ना। आज मैं बोल रही हूँ, अगले टर्न से आप बोलते जाना।
करें स्टार्ट अभी क्वेश्चंस वापस। मैं एग्जांपल्स में ही कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी लूँगी जो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है? करें कंटिन्यू। तो आज हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले। हाँ, कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि हम आंसर्स या क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ रिजल्ट्स डिराइव कर लें, तो वो हम एक बॉक्स में डालकर लिख लेंगे। बाकी और कुछ थ्योरी के फॉर्म में इससे ज़्यादा आज कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी ना। बोलो, कोई कुछ पूछना चाह रहा था? बोलो। ए की वैल्यू 0.5 हाफ हो सकती है, बिल्कुल ले सकते हैं। 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर दिखता है ना, 0.9 ले लो, 0.999 चलेगा, एग्जैक्ट 1 नहीं चलेगा, ठीक है? एग्जैक्ट 1 नहीं ले सकते, 0 और 1 के बीच का एनी नंबर। करेंगे कंटिन्यू। लिखे क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बोलो 0 और 1 के बीच में एनी रियल, रियल का मतलब रैशनल भी इरेशनल भी, सब चलेगा, ठीक है? अब क्योंकि तुमने रैशनल पूछी लिया, तो मैं पहले क्वेश्चन में ही इरेशनल बेस लेती हूँ। करें स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब 1, 2, 3 करके पार्ट्स बनाते जाना। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, लॉग 2 to the base √2। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि चलिए बताइए क्या एक्सपोनेंट इस बेस का बनाया जाए सो दैट आंसर 2 बन जाए। तो रूट 2 की कौन सी पावर उसे 2 बनाएगी? 2। आंसर इज 2। बोलो, बात समझ में आई? कोई भी दिक्कत? सही है यहाँ तक कि हम रूट 2 की क्या पावर रेज करें कि 2 बन जाए? जैसे ही क्वेश्चन लॉग का आता है ना, सबसे पहले यही क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि बताइए बेस की क्या पावर रेज की जाए कि ये नंबर बन जाए। जो पावर रेज करने पर नंबर बनेगा ना, बस वही हमारा आंसर। किसी को देखकर? दूसरा क्वेश्चन, मतलब उसी का सेकंड पार्ट, लॉग √2 to the base 2 1/2। किसी को भी देखकर? सबका आंसर आ रहा है, आंसर इज 1/2। थर्ड, लॉग 81 to the base 3, ये शायद मैंने लास्ट टर्न पर भी पूछा होगा, लॉग 81 to the base 3 आंसर इज 4। किसी को भी दिक्कत? कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉग 343 to the base 7, आंसर इज 3। 7 का क्यूब याद कर लिया ना हम लोगों ने, किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो लॉग 343 to the base 7 इज 3। चलो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर, अभी आप सीधे क्वेश्चन के लिखते ही आंसर बता रहे थे ना, अब थोड़ा सा सोच सोच कर आंसर देना। जैसे कि मैंने कहा लॉग 9 √3 to the base 3 देखो, मुझे आंसर किसी भी हालत में जल्दी नहीं चाहिए होता है, मुझे आंसर एक्यूरेट चाहिए होता है, ठीक है? आपको प्रैक्टिस इसकी करनी है कि फर्स्ट नहीं आना है, सही आंसर आना है। एक आंसर 5/2, अब मुझे बहुत सारे आंसर्स 5/2 मिले। कई लोगों ने जस्ट ऑब्जर्वेशन से पता लगा लिया होगा कि आंसर इज 5/2। अब मैं एक बार बताती भी हूँ आपको, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये बेस 3 है, हम इन सबको 3 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? नंबर को मैं लिखती हूँ, ये रहा 3 का स्क्वायर एंड √3। बताओ मैंने √3 सही लिखा है क्या? सही लिखा है ना √3, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बन गया, दिस इज इक्वल्स टू लॉग टू द बेस 3, 3 की पावर 2 + 1/2, 2 + 1/2 कितना होता है भाई? 5/2 होता है, 5/2, ठीक है। यानी मैं ऐसे लिखूंगी, दिस इज लॉग 3 की पावर 5/2 टू द बेस 3। यानी इस क्वेश्चन को सीधे पूछने का तरीका ये था कि चलिए अब बताइए कि लॉग 3 की पावर 5/2 टू द बेस 3 क्या होगा? 5/2, यानी क्या क्वेश्चन है कि बताओ 3 की पावर क्या रेज करें कि वो 3 पावर 5/2 बन जाए। तो भाई क्या पावर रेज करनी है? 5/2। तो मैं ऐसे लिखूंगी, दिस इज
5/2. बोलो किसी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम? बट हर बार ऐसा होता है कि हर कोई इस तरह से ऑब्जर्व करके ये कैलकुलेशन नहीं कर पाता, ठीक है, एकदम से नहीं होती कैलकुलेशन। तो फिर अल्टरनेटिवली आप क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है ना। अगर आप सीख पा रहे हैं, मतलब अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं सॉल्व कर पा रहे तो बहुत दुख की बात नहीं, ठीक है, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो प्रॉपर तरीका भी एक बार देखते हैं कि अगर हम कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो अल्टरनेटिवली आंसर तक तो पहुंचना है ना, तो हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे? देखो, तो इसका मेथड ये है कि आप क्या करना, आप कहना कि log 9√3 टू द बेस 3 का आंसर मुझे नहीं पता क्या आता है, इसलिए मैंने x मान ली, सही है ना। मुझे नहीं पता, मुझे x आंसर करना था और मुझे x को फाइंड करना। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िया, आगे। बट इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि जो 9√3 होगा वो कितना आ जाएगा? 3 की पावर x। बोलो किसी को देखकर। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने ज़रूर 9-10th में कभी सॉल्व किए होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन मैं कन्वर्ट करके पूछ रही हूँ, बट ठीक है, हम इसे उस फॉर्म में ले जाते हैं जो हमने पहले भी हैंडल किया हुआ। राइट साइड का बेस 3 देख कर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को भी बेस 3 बनाकर ही लिखूंगी, ठीक है। सेम बेस बनेगा तो इंडेक्स को कंपेयर कर लेंगे, यही पढ़ा है हमने। तो मैं इसका बेस भी क्या बनाने जा रही हूँ? 3 बनाए। बोलो 9 को क्या लिखोगे? 3 स्क्वेयर। देखो कैलकुलेशन वही आती है, वो अलग नहीं जाएगी, बट अप्रोच मेरी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। रूट 3 को मैं क्या लिखूँ? 3 की पावर 1/2। दिस इज 3 रेज टू द पावर x। बोलो कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम? अच्छा, इसे क्या लिखूँ? 3 की पावर 2 प्लस 1/2। लॉ ऑफ इंडाइसेस लगा दिया मैंने प्रॉपरली, दिस इज 3 पावर x। कोई दिक्कत? चलो यहाँ करते हैं कैलकुलेशन। 2 प्लस 1/2 का मतलब 3 की पावर 5/2, एंड दिस इज 3 रेज टू द पावर x। क्योंकि दोनों साइड का बेस आइडेंटिकल सेम है ना बेस, तो इसका मतलब इसकी पावर्स भी कैसी होंगी? सेम होंगी। सेम पावर्स का मतलब क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 5/2। आ गया आंसर, मुझे x ही तो पता करना था, आंसर इज 5/2। बोलो किसी को दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम? तो इसलिए ऐसे घबराना मत कि उसने तो आंसर एकदम प्रॉम्प्टली दे दिया, मैंने क्वेश्चन लिखा और आंसर आ गया, ठीक है। अभी आप बहुत इनिशियल स्टेज पर हो, ऐसा भी होता है कि कई बार हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हैं और बाद में लेटेस्ट स्टेजेस पर जाकर पता चलता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे घबराना नहीं कि उसने इतनी जल्दी आंसर दे दिया, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ऐसे डिप्रेशन के मूड में मत आया करो। कई लोगों की कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, ठीक है, वो उनका प्लस पॉइंट होता है, बट आपने 2 साल चुने मेहनत करने के लिए, उन 2 सालों में हमने सब चीज़ें सीखनी है, और कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाना बहुत टीडियस जॉब नहीं होता है। आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत, कुछ भी नहीं होगा, इजीली आप कैलकुलेशन एक बार अपनी अच्छी कर लो, स्पीड अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो अभी ये मत सोचना कि उसने 1 सेकंड में आंसर दिया और मैं 10 सेकंड में भी नहीं दे पाया। आप अगर 15 सेकंड में भी आंसर निकाल रहे हो ना तो कोई बुरी बात नहीं, आपको सॉल्व करना सीखना है। अभी स्पीड सेकेंड स्टेज पर आती है, पहले सीखो तो सही क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया ना बस, तो उसके बाद हमें सिर्फ क्या सीखना होगा? स्पीड बढ़ाना, वो तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा तब आप स्पीड बनाना सीख पाओगे। तो इसलिए कोई भी घबराना नहीं कि इस बंदे ने आंसर इतना जल्दी दिया, मेरे बगल में उसने तो आंसर फटाफट दे दिया, मेरा तो आंसर ही नहीं आया। होता क्या है कि वो जब आंसर दे देता है ना फ्रेंड या आसपास बैठा हुआ, तो हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। कितना छोटा क्वेश्चन था, हम क्या सोच रहे थे, इतने छोटे क्वेश्चन को हमने सॉल्व ही नहीं किया, उसने आंसर दे दिया। तो ऐसा मत सोचो, ठीक है, सबकी अलग अलग होती है कैलकुलेशन, जो एबिलिटी होती है ना वो सबकी डिफरेंट होती है। तो हमें तो चैप्टर सीखना है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन का टेस्ट नहीं होगा, यहाँ एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा या नॉलेज का टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि कैलकुलेशन किसी ने फास्ट कर ली तो हमें कुछ नहीं आता, हमें बहुत कुछ आता है, हमारी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, आपको चीज़ें सीखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर कर लिया नोट डाउन, मतलब किसी को दिक्कत है इसमें? देखो मैं अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम पर आते हैं।
क्वेश्चन अब मैं आपको देती हूँ. चलो फाइंड लॉग वन अपॉन रूट फाइव टू द बेस फाइव. लॉग वन अपॉन रूट फाइव टू द बेस फाइव माइनस वन बाय टू. ठीक है, आंसर इज माइनस वन बाय टू. मगर कैसे निकाला देखें जरा. मैंने इसे लिखा लॉग टू द बेस फाइव वन अपॉन फाइव की पावर वन बाय टू. बताओ सही लिख रही हूँ मैं. बट इस फाइव को न्यूमरेटर में ले जाने का मतलब इसकी पावर को माइनस करके लिखना होगा, यही होता है ना. यानी क्या करोगे आप, इसे लिखोगे लॉग टू द बेस फाइव एंड दिस इज फाइव की पावर माइनस टू. यहाँ तक बताओ मैंने सही लिखा, कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो फिर मेरा क्वेश्चन क्या है ये लिखने का मतलब मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि बताइए बेस की पावर क्या रेज की जाए सो दैट फाइव की पावर माइनस वन बाय टू बन जाए. तो अब साफ दिख रहा है कि हमें आंसर क्या लिखना चाहिए, माइनस वन बाय टू. तो आंसर इज माइनस हाफ. बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ऑल्टरनेटिवली मैंने आपको क्या बोला है कि आपको नहीं स्ट्राइक करता मैथड, कोई बात नहीं, आप अभी क्या करो इसे एक्स मानकर स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, आसानी से सॉल्व करते रहेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे. यानी ऑल्टरनेटिव मैथड को अगर हम देखते हैं तो भी ये बहुत जल्दी आंसर तक पहुँचाएगा. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, बिल्कुल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. कि अगर ये थॉट नहीं आया तो मैं क्या करूँगी, इसे एक्स लिख दूँगी और फिर मैं कहूँगी कि इसका मतलब वन अपॉन रूट फाइव कितना होगा, फाइव पावर एक्स होगा. किसी को देखकर? बट मैंने कहा जब इसका बेस फाइव है तो फिर हम इसका भी बेस पाँच बनाएंगे. ठीक है, हम इसका बेस भी पाँच बनाते हैं. बेस पाँच बनाने के लिए मैंने इसे सबसे पहले वन अपॉन फाइव की पावर वन बाय टू लिख दिया. बोलो सही है. फिर मैंने कहा नहीं, अभी ये बेस फाइव बनाने के लिए इसे न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा. मैंने इसे न्यूमरेटर में लिखा मगर न्यूमरेटर में लिखने के लिए इस पावर को माइनस हाफ बना कर लिखा एंड दिस इज इक्वल्स टू फाइव पावर एक्स. बोलो ठीक है. यानी एक्स कितना आ गया, माइनस हाफ. तो कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो. ठीक है, आप एनी वन मैथड को यूज़ करो, आंसर निकलना ज़रूरी. बट हाँ, फिर आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना इन सब की तो अपने आप आपकी हैबिट ही हो जाएगी, इस हैबिट पे आ जाते हैं. यानी आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगता है अच्छा यही तो करना है, चलो यही कैलकुलेशन कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर. बोलिए किसी को भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, लिखें अगला क्वेश्चन. बोल, हाँ वो सब मैं ला रही हूँ अभी बैठ. मैंने क्या कहा, मैं सारे एग्जांपल्स लूँगी कि ए को वन क्यों नहीं ले सकते या टू क्यों नहीं ले सकते. सब एग्जांपल्स एक एक करके हम सारे पॉइंट्स कंसिडर करेंगे. ठीक है, चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पर. देखो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड लॉग टू द बेस थ्री क्यूब रूट ऑफ थ्री. फाइंड लॉग क्यूब रूट ऑफ थ्री टू द बेस थ्री. आंसर इज वन बाय थ्री. कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. क्यूब रूट ऑफ थ्री का मतलब मैंने लिखा क्या है, मैंने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, चलिए बताइए थ्री की पावर वन बाय थ्री का लॉग टू द बेस थ्री आंसर क्या होगा. आंसर आप क्या दे रहे हो, वन बाय थ्री. किसी को दिक्कत या प्रॉब्लम, कोई डाउट? ठीक है, तो फिर मुझे बताओ लॉग, बहुत ध्यान से देखना और आंसर बताना. मैंने कहा लॉग फाइव टू द बेस फाइव, आंसर इज वन. ठीक है, मैंने कहा चलो अब बताओ लॉग कॉस 60 डिग्री टू द बेस कोसेक 30 डिग्रीज, आंसर इज क्यों वन, क्योंकि कॉस 60 का मतलब वन बाय टू और कोसेक 30 का मतलब टू. मेरे ख्याल से टू, कोसेक 30 टू होता है ना,
टू बाई रूट थ्री कौन बोल रहा है? टू। अब मुझे बताओ क्या आंसर लिखूंगा। आंसर इज माइनस वन। बोलो ठीक है क्या? टू की पावर अगर माइनस वन रेज करोगे तो वन बाय टू बन जाएगा। इसी को लेकर ठीक है, लिख लिया सबने यहां तक? अगला क्वेश्चन पूछूं मैं? क्वेश्चन इज लॉग कोसेक 30 डिग्रीज टू द बेस सेकेंट 60 डिग्रीज। कोसेक 30 इज 2 एंड सेकेंट 60 इज 1 या 2? ये लॉग 2 बेस 2 लिखा हुआ है, और लॉग 2 बेस 2 का मतलब 1। इसमें किसी को दिक्कत है बताओ? लॉग 2 बेस 2 की वैल्यू आ गई 1। किसी को भी दिक्कत? ठीक है, और पूछती हूँ मैं क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा लॉग 4 बाय रूट 3 टू द बेस 4 बाय रूट 3, सॉरी 4 बाय 3 टू द बेस 4 बाय 3। लॉग 4 बाय 3 टू द बेस 3 बाय 4। पक्का? ठीक है, अब बताओ लॉग 1 टू द बेस 3। आंसर इज पक्का 0। 3 की पावर क्या रेज करोगे कि 1 बन जाए? 0। बोलो ठीक है। मैंने कहा ठीक है बताओ लॉग 1 टू द बेस पाई, 0 पाई की पावर क्या रेज करोगे कि 1 बन जाए? ये कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स जो है ना, यहाँ से मैं 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखने वाली हूँ। ठीक है, हम 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखेंगे जो इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू डिराइव हुए हैं। अब वो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं वो फिर आप एक बॉक्स में डालकर रखना। ठीक है, अगर बेसिक डेफिनेशन आती ना वो 3 रिजल्ट्स लिखने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो हम तीनों रिजल्ट्स एक बॉक्स में डालकर रखते हैं और सीधे उन्हें यूज़ किया करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, लिखो, हेडिंग डालो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। मैंने आपसे कहा है कि मैं इन सबको डिस्कस करूँगी, तो अब अगले एग्जांपल्स में इन्हीं पे लूँगी। एक बार 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखते हैं फिर हम इन एग्जांपल्स पर पहुँचेंगे। लिखो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में लिखोगे सबसे पहला रिजल्ट। सबसे पहला रिजल्ट है लॉग n टू द बेस n। बोलो क्या लिखो? दिस इज इक्वल्स टू 1, मगर कंडीशन ये है कि n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। n को नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है, n पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में क्योंकि बेस में भी n लिखा हुआ है इसीलिए n इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, n को 1 नहीं लेना। ये कंडीशंस क्यों हैं वो मैंने क्या कहा, मैं अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू सब समझाऊंगी। अभी आपने कंडीशंस जो याद की हुई है ना वो सब कंडीशंस लिखते जाओ कि लॉग अगर लिख रहे हो तो ये कंडीशंस तो साथ में लिखना होगा ही, कि अगर नंबर है तो नंबर पॉजिटिव हो, बेस हो या तो बेस ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, क्यों का रीज़न तो मैंने अभी समझाया ही नहीं, वो अब मैं समझाऊंगी आप। सेकेंड, लॉग 1 बाय एन टू द बेस एन, आंसर विल बी माइनस 1। क्या इसमें किसी को दिक्कत? मगर कंडीशन फिर से क्या होगी? n ग्रेटर दैन 0 एंड n इज नॉट इक्वल्स टू 1। n ग्रेटर दैन 0 यानी 0 से बड़ा होना चाहिए एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। किसी को दिक्कत? थर्ड, लॉग 1 टू द बेस n इज 0। अगर नंबर 1 है ना फिर बेस अपनी कंडीशन को फॉलो करते हुए कुछ भी ले लो, दैट इज बेस n ग्रेटर दैन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, कोई भी बेस उठा लो, एनी बेस, लॉग 1 हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट या 3 वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन्हें बॉक्स में डालकर रखेंगे। लिख लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही डिराइव कर लिए। ठीक है, और मैं क्वेश्चन में डेटा नहीं देती तो भी आप मुझे यही आंसर बताते,
बस जब भी आप इन कंडीशंस को या इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हो ना, ये कंडीशन साथ में इसके अटैच्ड होनी चाहिए, यानी ये चिपकी हुई आएंगी इसके आगे, बात समझ में? इसके बिना इसका कोई यूज़ नहीं। अब जब भी इन्हें लिखोगे साथ में ये कंडीशन ज़रूर अटैच्ड होनी चाहिए, ठीक है? लॉग लिखते ही आपको ध्यान रखना है कि मुझे दो चीज़ों पर कमेंट करना होगा, एक तो नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और दूसरा बेस ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड नॉट इक्वल्स टू वन। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक अभी? कोई भी प्रॉब्लम? मगर क्या दिक्कत होगी अगर मैं एन को नेगेटिव ले लूँ, या फिर मैं ए को वन उठा लूँ, या ए को मैं ज़ीरो उठा लूँ, या ए को मैं नेगेटिव ले लूँ? एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करते हैं। डाल दिया ऐसे बॉक्स में, लिख लिया वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है आगे कंटिन्यू करें। लिखे एग्जाम्पल्स ही मैं लेती जा रही हूँ, अब इन कंडीशंस को भी चेक करेंगे कि क्या रीज़न है कि ये सारी कंडीशंस लगानी पड़ गई। चलो क्वेश्चन मैंने अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, लिखो। मैंने कहा चलिए बताइए लॉग माइनस फोर टू द बेस टू क्या आंसर आएगा? नॉट डिफाइंड, मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है। कोई भी एक्सपोनेंट अगर मैं 2 का रेज करती हूँ तो वो माइनस फोर तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है? मैं एग्जांपल्स दूंगी, उसके बाद आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन्स होंगे ना वो आप बाद में पूछना शुरू करना, ठीक है? मेरे को पता है कि आपके दिमाग में काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन्स या हो सकता है एग्जाम्पल्स चल रहे हो, तो वो मैं आपको जैसे ही पूछती हूँ ना कि अब आप पूछो, तो अब अपने कन्फ्यूजन्स पूछना शुरू करना। अभी सिर्फ मुझे आंसर करना जो मैं पूछती हूँ। क्या इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा? नॉट डिफाइंड, 2 की कोई भी पावर माइनस फोर तक नहीं पहुंचा सकती, कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है? नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। मैंने कहा ठीक है लॉग 0 टू द बेस 2 की क्या पावर रेज करें कि वो 0 बन जाए? नॉट डिफाइंड। इनफैक्ट आप लिखो कि दिस इज माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब ही नॉट डिफाइंड है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा आंसर, ठीक है? बट 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी होता क्या है? 1/2 पावर इन्फिनिटी, है ना? यही होता है। और 1/2 पावर इन्फिनिटी का इट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, 1/ बहुत बड़ी क्वांटिटी, या 1/ इन्फिनिटी कहाँ जाता है? 0 की तरफ। तो इसका मतलब 2 की पावर आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी, तो वो 0 बन जाएगी। बट इन्फिनिटी का मतलब आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। हम इन्फिनिटी जहाँ पे भी लिखते हैं ना उसका मतलब होता है आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसीलिए लॉग 0 टू द बेस 2, अगर मैंने नंबर 0 ले लिया ना आंसर नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? मैंने कहा चलो लॉग 0 टू द बेस 1/2, ये भी नॉट डिफाइंड। बट यहाँ नॉट डिफाइंड में क्या रहा होगा? प्लस इन्फिनिटी, ठीक है? ये प्लस इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड। हम आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आते ही रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं आ रहा हमारा आंसर, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप इस नंबर को 0 नहीं ले सकते। चेक करें, ये कहता है 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, यानी हमने लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था ना कि अगर बेस 1 से छोटा होता है तो पावर रेज करते जाओगे तो वैल्यू और कम होती जाएगी। तो यहाँ तो बहुत बड़ी पावर रेज कर दी, यानी ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी? बहुत छोटी वैल्यू, और नेग्लिजिबल वैल्यू को क्या कहते हैं? 0, ठीक है? तो ये आएगा इन्फिनिटी, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर नहीं आ सकता इसका, इसलिए आप नंबर को 0 नहीं ले सकते। बोलो कोई दिक्कत? तो अभी तक मैंने सिर्फ इतना देखा कि नंबर नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा, बेस पे भी कंडीशंस देखते हैं, ठीक है? फिर आपको जो पूछना है वो पूछना शुरू करना। अब मैं बेस को लेती हूँ, ये तीनों एग्जांपल्स लिख लिया हमने, मिटा दूँ मैं इन्हें? कोई लिख रहा है क्या अभी? तो हाथ ऊंचा कर लीजिएगा। लिख रहे हैं अभी? लिखिए। हाँ अभी करें कंटिन्यू। चलो चलो अब लिखते हैं लॉग। मैंने कहा चलो मैं बेस को 1 लूँगी, ठीक है? बेस मैं 1 लेती, क्या दिक्कत है? पता चल जाएगा अपने, बताओ। लॉग 5 टू द बेस 1 नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली होगा, बट आप सोच पा रहे हो कि क्यों? क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हो कि 1 की पावर रेज करने पर वो 5 बन जाए अचानक से? नॉट पॉसिबल, आ ही नहीं सकता आंसर, आंसर ही नहीं एग्जिस्ट करता, नॉट डिफाइंड।
वन की कोई भी पावर, कोई भी एक्सपोनेंट, कोई भी रियल नंबर उसे पाँच में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगी, है ना। वन की तो कोई भी पावर रेज करो वो वन ही रहता है, सही है। तो बेस कैन नॉट बी वन। मैं कहा बेस जीरो में क्या दिक्कत है, चलो लॉग फाइव बेस जीरो सोचते हैं। क्या लॉग फाइव बेस जीरो आंसर आ सकता है? जीरो की पावर जीरो, जीरो की कोई भी पावर जीरो ही बनेगी, वो पाँच कैसे बनेगी? नॉट पॉसिबल। यानी इसका आंसर भी नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसीलिए बेस कैन नॉट बी वन, बेस कैन नॉट बी जीरो। तो बेस नेगेटिव आने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा चलो देखते हैं लॉग, मैंने इसे लिखा एट टू द बेस माइनस टू। बोलो क्या लिखो, माइनस टू की कौन सी पावर उसे प्लस एट बनाएगी? या चलो माइनस टू की कौन सी पावर उसे 32 बनाएगी? नॉट डिफाइन ना, एक भी आंसर नहीं आया। यानी बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, बेस नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। मगर इसके बाद, हाँ अब इसके बाद अब आप अपने डाउट्स पूछना शुरू करना, ठीक है। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, एक एक करके पूछोगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊंगी, एक साथ पूछोगे तो किसी का भी क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। एक मिनट बोलो। चलो अब मैंने सेलेक्ट किया लॉग फोर टू द बेस माइनस टू। बोलो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर इज टू, सही, कोई दिक्कत नहीं। मगर लॉग को जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो लॉग को डिफाइन करते वक्त हम इसे एज अ फंक्शन लेते हैं। अब फंक्शन ये क्या चीज़ आ गई अचानक से? नहीं तो पढ़ा ही नहीं, हम पढ़ेंगे भी नहीं, हम इस सेशन के एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन या ये जो मैंने डिफाइन किया है ना, इट इज़ अ फंक्शन। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब मैं इसे डिफाइन करती हूँ ना, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे पास फाइनली बहुत सारे आंसर्स नहीं आने चाहिए। जैसे कि अगर मैंने कहा लॉग फोर टू द बेस माइनस टू, या जो भी क्वेश्चन मैं पुट अप कर रही हूँ उसके लिए फाइनली आंसर मुझे एक ही मिले, दैट इज़ यूनिक आंसर मिले। दूसरी बात रियल आंसर मिले, और तीसरी बात एक कंटिन्यूसली, यानी पूरे रियल नंबर जो मैं ले रही हूँ ना उस रेंज में पूरे में वो डिफाइंड हो। जैसे कि अगर मैंने बेस को माइनस टू लिया ना, तो आप कुछ कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज़ का मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए तो आंसर निकाल दोगे। जैसे अगर मैं इसे लिख देती लॉग 16 टू द बेस माइनस टू, तो मुझे आप आंसर बता देते ना। बट वहीं मैंने आपसे कहा लॉग 8 टू द बेस माइनस टू, अब तो प्रॉब्लम हो गई। यानी अगर मैंने बेस माइनस टू ले लिया ना, तो मैं हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आंसर ही नहीं निकाल पाऊंगी, दिक्कत हो जाएगी। कि आपने फिर सिर्फ 4 पर निकाला, 16 पर निकाला, 8 के लिए इम्पॉसिबल है। मैंने कहा 32 इम्पॉसिबल है, मैंने कहा लॉग 128 टू द बेस माइनस टू, आप इसका भी आंसर नहीं निकाल सकते, ये भी नहीं आंसर एग्जिस्ट करो। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि बेस माइनस टू पर कुछ पॉइंट्स पर तो आंसर आएगा, बट इन जनरल सारे रियल वैल्यूज, पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ के लिए आंसर देना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जब ये सिचुएशन आती है ना, तो फिर हम इसे फंक्शन नहीं बोलते, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फंक्शन क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट लॉग को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि पहली बात जो आंसर आएगा वो रियल आना चाहिए, दूसरी बात यूनिक आना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत सारे आंसर्स हो। जैसे कि अगर मैं इसे इस तरह लिख दूँ ना कि चलो बताओ लॉग माइनस फोर टू द बेस टू, तो आपने मुझे बोला था कोई आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रियल आंसर नहीं आएगा। बट जब मैं आपको ट्वेल्थ में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाऊंगी ना, तो मैं इसके इनफाइनाइटली मेनी आंसर्स बताऊंगी आपको, ठीक है। बट रियल नंबर सिस्टम में इट हैज़ नो सोल्यूशन, कोई आंसर नहीं आता। यूनिक आंसर आना चाहिए, रियल सोल्यूशन होना चाहिए, और ऐसे पार्ट्स में नहीं डिवाइडेड होना चाहिए कि कुछ 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 वैल्यूज़ या कुछ कुछ नंबर्स के लिए तो आंसर आ गया, मगर उस बेस को अगर मैं हमेशा रखती हूँ तो हर पॉजिटिव के लिए मुझे आंसर नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप कहोगे हम डिफाइन करते हैं लॉग माइनस एट टू द बेस माइनस टू, अगेन आंसर इज पॉसिबल। क्या लिखूँ मैं? 3। बट फिर से प्रॉब्लम क्या है कि आप हर नेगेटिव नंबर लिख कर यहाँ से आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। जबकि अगर मैं इन कंडीशंस को फॉलो करूँगी ना, तो इन कंडीशंस के साथ सपोज मैंने कहा मैं बेस टू लेती हूँ, बेस को मैंने पॉजिटिव रियल लिया, ग्रेटर दैन जीरो नॉट इक्वल्स टू वन में से एक बेस सेलेक्ट कर ली, मैंने कहा मैं बेस को ले रही हूँ 2। अब आप कोई भी नंबर सोच लो जो पॉजिटिव हो, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, हर पॉजिटिव रियल नंबर कैसा भी हो, 2.1, 2.12, सब के लिए आंसर निकाल पाना पॉसिबल होगा।
निकाल पाना पॉसिबल होगा का मतलब समझ रही हूँ कि लॉग 11 टू द बेस 2 अगर मैं लिख रही हूँ तो इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा. हर चीज़ आप सिर्फ माइंड के या ऑब्जर्वेशन के कैलकुलेशन से नहीं कर पाओगे, ठीक है. हम इसे भी कैलकुलेट करना सीख जाएंगे बट चैप्टर खत्म होने में. फिर मैं पूछूंगी ये क्वेश्चन, जब मैं सिखा दूंगी तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही से पूछूंगी. किसने पूछा वैसे ये क्वेश्चन? 11. हाँ, एनी नंबर ले ले, पॉजिटिव रियल. अभी मैं 16 दूंगी तो तुम भी आंसर बोलोगे और मैं भी बोलूंगी, बट मैंने 15 दिया तो फिर हम अटक जाएंगे. फिर हम कहेंगे नहीं नहीं आंसर तो सोचना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आंसर आएगा 4 और 3 के बीच में, तो हम इतना ही बताएंगे. और मैं भी यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप इतना ही बताओ. क्यों? क्योंकि बाकी का काम तो लॉग की टेबल करेगी. हमें टेबल्स मिलती हैं, ठीक है. मतलब हमारे लिए बहुत हेल्प करके गए, एक टेबल्स बना के गए, हम उन टेबल्स की हेल्प से कैलकुलेशन करते हैं. आई बात समझ में? तो लॉग की हेल्प से कैलकुलेशंस होंगी, कुछ सिर्फ रीड एंड रिप्लाई की होंगी, कुछ इस तरह सॉल्व करके की जा सकेंगी और कुछ विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स होंगी, ठीक है. मगर सॉल्व जरूर होगी. कंडीशन बस क्या ध्यान रखनी है कि नंबर पॉजिटिव लोगे हमेशा, जीरो या नेगेटिव नहीं होना चाहिए. दूसरा, बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल्स टू. बताओ भी कोई दिक्कत? और भी दिमाग में कुछ है क्वेश्चन? लॉग 1 टू द बेस 1 नहीं आया किसी के दिमाग में? नहीं, लॉग 1 टू द बेस 1. अरे ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने ही पूछ लिया. आप लोगों ने तो पूछा नहीं, मैंने कहा मैं ही पूछ लेती हूँ. लॉग 1 टू द बेस 1 में क्या दिक्कत होगी? मतलब मुझे पता है कि बेस 1 है इसलिए इट इज़ नॉट डिफाइंड, बट क्या हमें रीज़न दिख भी रहा है कि लॉग 1 टू द बेस 1 इज़ नॉट डिफाइंड? या हमें दिख रहा है कि नहीं इसका तो आंसर मुझे पता है कि इसका आंसर 1 होना चाहिए. बहुत सारे होने चाहिए, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि लॉग 1 टू द बेस 1 इट इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज़ नॉट यूनिक. ये यूनिक आंसर नहीं दे रहा है मुझे. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताओ 1 का क्या एक्सपोनेंट रेज किया जाए सो दैट आंसर 1 आ जाए. तो किसी ने बोला 1, मैंने कहा ठीक है. किसी ने बोला 2, मैंने कहा ये भी ठीक है. 1 की पावर 5 में क्या दिक्कत है? मैं कहूँगी 1 की पावर 10,000, ये भी सही है. फिर कहाँ है आंसर? यूनिक आंसर तो आया ही नहीं. ये मिनी वैल्यूड हो गया, इट इज़ नॉट डिफाइंड. ये डिफाइंड ही नहीं है. लॉग 1 टू द बेस 1 डज नॉट या नॉट डिफाइंड. आप इसे प्रॉपरली क्या बोलोगे? इट इज़ नॉट डिफाइंड. बोलो कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है. तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा आज कि अगर लॉग को डिफाइन करना है तो हमें कंडीशंस याद रखनी होगी, और कंडीशंस होंगी, जो कंडीशंस होंगी वो मुझे रेड टी शर्ट बताएंगे. चलिए खड़े हो जाइए. तो जो आज हमने पढ़ा उसे समराइज करो कि अगर लॉग को डिफाइन करना है तो आप क्या याद रखोगे, वहाँ नहीं देखोगे. हाँ, हाँ, और एन क्या हुआ? लॉग का नंबर, ठीक है, ऐसे बोलो. क्योंकि एन कहीं मैंने शिफ्ट करके बेस बना दिया ना, तो आप तो गलत कंडीशन लिखाओगे. तो लॉग का नंबर और लॉग का बेस का कंडीशन क्या है वो बोलो. लॉग के नंबर की कंडीशन इज, ठीक है, और बेस की कंडीशन इज एंड नॉट इक्वल्स टू 1. यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि हम सब कुछ भूल जाएंगे मगर लॉग की कंडीशंस को नहीं भूलेंगे, ठीक है. हमें ये ध्यान रखना है कि लॉग का नंबर पॉजिटिव रहना चाहिए और बेस ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 रहना चाहिए, तभी वो लॉग डिफाइंड है, अदरवाइज नहीं. कोई दिक्कत? ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, इस पर मैं एक बहुत छोटा सा सुंदर सा क्वेश्चन बनाती हूँ. लिखो ज़रा. क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. क्वेश्चन मैंने आपको दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फॉलोइंग लॉग आर डिफाइंड. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग लॉग आर डिफाइंड. ठीक है, अब इसके पार्ट्स बना लेंगे. कॉमन क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने कहा लॉग एक्स माइनस 3 टू द बेस 5. मैंने क्वेश्चन क्या कहा है आपको कि आप मुझे एक्स की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये लॉग डिफाइंड हो. यानी एक्स की वैल्यू बताइए जिसके लिए लॉग डिफाइंड हो का मतलब क्या चेक करना है? भाई डिफाइंड कब होगा? एक तो नंबर पे कंडीशन होगी और दूसरी बेस पर. मैंने कहा सबसे पहले नंबर पर चलते हैं. बोलो इस लॉग का नंबर क्या है? एक्स माइनस 3 है ना, वेरिएबल टर्म के साथ है, चलेगा. तो इस लॉग का नंबर है एक्स माइनस 3. कैसा होना चाहिए? सही है. क्या हम इसे सॉल्व करके बता सकते हैं कि एक्स कैसा होना चाहिए?
ग्रेटर देन 3, सही है? तो मैंने इसे एक बार बॉक्स में डालकर रख दिया। ये मैंने कहा पहली कंडीशन आ गई। फिर मैंने कहा लॉग के बेस में क्या कंडीशन होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 हो एंड नॉट इक्वल्स टू 1। तो क्या ये बेस पॉजिटिव आ रहा है? 1 तो नहीं आ रहा ना, तो ठीक है। बोले ये तो फिक्स है, इस पर क्या कंडीशन लगाना? ये तो बेस सही आया। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया? x मस्ट बी ग्रेटर देन 3। अगर मैंने x को 3 से बड़ा ले लिया तो ये लॉग डिफाइंड होगा। किसी को दिक्कत? कोई भी प्रॉब्लम? पक्का? क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, तो इसमें कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर मैं पूछती हूँ। सही है? सिर्फ दो चीज़ें देखोगे, लॉग का नंबर एंड दूसरा लॉग का बेस। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है, एक्स की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये लॉग डिफाइन है। तो क्वेश्चन आ गया लॉग 4 माइनस 5x टू द बेस 3। क्या कंडीशन लगाई आपने कि 4 माइनस 5x ग्रेटर दैन 0 है ना? ऐसा करें, 5x को इधर ले जाते हैं, इसका मतलब 4 मस्ट बी ग्रेटर दैन 5x। 5 से डिवाइड कर दें, इम्प्लाइज 4/5 मस्ट बी ग्रेटर दैन x। क्या गया ये? एक्स इज स्मॉलर देन 4/5, ठीक है? तो x आंसर क्या आता है? x लेस देन 4/5। किसी को दिक्कत भाई? बताओ।